तो हेलो भाई, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम MI बल्ब के बारे में बात करने वाले हैं। इस मॉडल का नाम है B22 मॉडल एंड इसकी जो प्राइसिंग है समथिंग है एंड क्या आपको ये बल्ब लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। ये आ गया हमारे पास MI का बल्ब, जैसे कि आप देख सकते हो मेरा MI का, एंड इसकी आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसकी प्राइसिंग करने वाले हैं, कैसे इसको ऐप से कनेक्ट करते हैं, क्या इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये बल्ब ठीक है या नहीं है, कितने साल चलता है, सबसे खास बात इस बल्ब की यह है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक एंड इस वीडियो का लाइक एम है 100 लाइक एंड 100 लाइक पे मैं इसका गिव अवे कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही मैं गिव अवे अनाउंस करूँ आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ क्या पता वो लकी कस्टमर वो आप भी बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। एंड लुक में आपको MI की LED स्मार्ट बल्ब कलर बल्ब B22 9 वॉट की 950 लुमिनस कैपेसिटी है, 16 मिलियन कलर मिल जाते हैं, 11 साल की लॉन्ग लाइफ मिल जाती है, मोबाइल ऐप कंट्रोल भी इसमें सपोर्ट मिल जाता है। साइड में MI LED बल्ब स्मार्ट बल्ब लिखा हुआ है और पीछे आपको कुछ खास नहीं है, साइड में भी सेम चीज़ है और नीचे QR कोड मिल सकते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का तरीका यहाँ से खोला, सिंपली हमें एक बल्ब मिल जाता है, डेट है इसका, यहाँ पे MI की लोगो मिल जाती है आपको एंड यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। बॉक्स के अंदर देखें तो बॉक्स के अंदर हमें कुछ एक गाइड मैनुअल मिल जाती है बाकी, जो कि हम पढ़ते नहीं कभी। एंड अब से हम अपने चैनल पे वेट भी किया करेंगे, ऑन किया इसका, वेट करते हैं। टोटल 180 ग्राम आपको दिख रहा है, तो आप समझ गए हो कि वेट तो है इस बल्ब के अंदर। अब कैसे इसको ऐप से कनेक्ट करते हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, सारी डिटेल वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो इस बल्ब को हम लगा देते हैं, ये लगा देने स्टार्ट हो गया। अब हम इस लाइट को 5 बार ऑन ऑफ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब देख सकते हो कलर जो चेंज हो रहा है। अब इस बल्ब को हम अपने फोन से कनेक्ट कर लेते हैं। फोन से कनेक्ट करने के लिए मैं इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करूंगा, ऐप का नाम है MI होम। देन इसके बाद यहाँ पे आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी MI की। MI की आईडी बनाने के बाद प्लस पे क्लिक करके ऐड डिवाइस, अगर आपके आपके पास वाईफाई नहीं लगा तो अब अपना हॉटस्पॉट चालू करके भी कर सकते हो। यहाँ पे भी वाईफाई कनेक्ट करेगा, मेरा वाईफाई हो गया कनेक्ट, बैक कर लेता हूँ मैं। अब यहाँ पे सर्चिंग डिवाइस होगा, ये आ गया MI का बल्ब, इस पर हम क्लिक करेंगे, पेयर कनेक्ट हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यस ये लिंक, ये हो गया कनेक्शन सक्सेसफुल, लाइट ब्लिंक कर रहा है, इट मीन्स ये कनेक्ट हो चुका। अब इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं अपने मोबाइल से। तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किस रूम में ये रखना है, हम बेडरूम में रख रहे हैं। नेक्स्ट, आपको अगर नाम चेंज करना है तो नाम भी चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ से लास्ट में बल्ब इतना कर देता हूँ। नेक्स्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड, सिंपल। अब ये हो चुका कनेक्ट, अब एग्री परमिशन दे दी मैंने, जैसे ऐसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ वैसे वैसे उसकी कलर चेंज हो रही है। अगर मैं नीचे ऊपर करूँगा तो उसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। यहाँ पे आपको वाइट मोड मिल जाता है, कलर मोड मिल जाता है, फ्लो मोड मिल जाता है एंड फेवरेट। वाइट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो वाइट पे ये अभी चल रहा है, कलर पे क्लिक करेंगे तो ये रेड कलर आ जाता है। यहाँ पे आप सारे कलर चॉइस कर सकते हो, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, पिंक। फ्लो पे अगर क्लिक करूँगा तो ये लाइट की कलर चेंज स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हो। इसको फुल कर देता हूँ, लाइट कलर चेंज हो रही है उसमें। एंड फेवरेट पे यही है, फेवरेट में आपको सेव करना पड़ता है, ये सब आपको मिल जाते हैं। सनसेट पर अगर क्लिक करूँगा तो सनसेट मोड पे चला गया, मूवी पे क्लिक करूँगा तो मूवी मोड पे चला गया, बर्थडे पे क्लिक किया तो बर्थडे पे चला जाएगा। तो ये सारे मोड आपको इसमें मिल जाते हैं। और ऑन ऑफ के लिए यहाँ पे आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये ऑन ऑन ऑफ ऑन ऑफ। यहाँ पे जो 3 डॉट है अगर इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे सेटिंग में जाओगे इसके, तो अगर आप टर्न ऑफ डिले पे क्लिक करोगे तो कुछ देर 15 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। शेड्यूल पे क्लिक करोगे, शेड्यूल पे आप यहाँ पे सेट कर सकते हो
कि आपको ये कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है। ऑन करने की टाइमिंग जैसे मैं सेट कर देता हूँ यहाँ पे, हमेशा डेली रिपीट हो जाए, और यहाँ पे 1 बजे और 1:01 पे चालू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। सेव कर दिया 1:01 पे। सो ओवरऑल था ये इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन। गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड लाइक एम मैंने जैसा कि आपको बता रखा है 100 लाइक का है, एंड जैसे ही 100 लाइक कंप्लीट हो जाएंगे इस वीडियो के ऊपर, इसका हम गिव अवे अपने यूट्यूब चैनल पर कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।